Hi students, welcome in the online classes of DEV school. As you know, in the class 6th G Science, we are on chapter 7th. Please rotate your phone. In the previous lecture, we complete the lesson reading of our lesson, and today we are on the keywords of this lesson. Our first keyword is animals. प्लांट्स दैट सर्वाइव फॉर वन सीजन ओनली, वो प्लांट्स जो कि केवल एक सीजन तक जीवित रहते हैं उनको एनुअल्स कहा जाता है. ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं. बेनियल्स, प्लांट्स दैट लीव फॉर टू seasons, जो दो seasons तक जीवित रहते हैं उनको बेनियल्स बोला जाता है. सेल, ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या होता है? हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल से मिलकर ही हमारे शरीर बने हुए हैं और हमारी जो बेसिक यूनिट है लाइफ की वो सेल है. फर्गीवोरियस, एनिमल्स विच ईट फ्रूट्स ओनली, वो एनिमल्स जो केवल फ्रूट्स खाते हैं उनको फर्गीवोरियस बोला जाता है. नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोपायट्स, प्लांट्स दैट नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हैंस ग्रो इन वाटर. हाइड्रोपायट्स वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है. इसका मतलब ये है कि वो पानी में ही ग्रो करते हैं. हाइड्रोपायट्स, प्लांट्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेटरोट्रॉप्स है, प्लांट्स which that cannot prepare their own food, they use food synthesized by the other plants and animals. वो प्लांट्स जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते वो यूज़ करते हैं दूसरे प्लांट्स के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा बनाए हुए भोजन को. नेक्स्ट, हैबिटेट, ए प्लेस वेयर एनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव गेट फूड एंड इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट, वो जगह जहाँ पर प्लांट और एनिमल्स जो हैं जीवित रहते हैं भोजन प्राप्त करते हैं और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट होते हैं घुल मिल जाते हैं. नेक्स्ट वन इज इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोर्स एनिमल्स विच फूड फीड ऑन इंसेक्ट ओनली, वो एनिमल्स जो कि केवल जो इंसेक्ट्स पर को खाते हैं. इनवर्टेब्रेट्स, एनिमल्स विच डू नॉट हैव ए बैकबोन, वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती तो उनको इनवर्टेब्रेट्स बोला जाता है. मेसोपायट्स, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड एंड नीड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई फॉर देयर सर्वाइवल, वो पौधे वो प्लांट्स जो कि लैंड यानी मैदानों में उगते हैं और उनको एक निश्चित मात्रा में ना कम ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है अपने जीवित रहने के लिए. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म ऑफ लाइक ह्यूमंस आंट्स विच कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, जिनके अंदर ज़्यादा सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमंस हैं, चींटी हैं, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं. पैरासाइट, ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द लिविंग बॉडीज, वो ऑर्गेनिज्म जो कि जीवित शरीरों पर जीवित रहते हैं वो को अपना भोजन बनाते लेते हैं वहाँ से, पैरासाइट कहलाते हैं. पेरिनियल्स, प्लांट्स दैट लीव फॉर मैनी ईयर्स, पेरिनियल्स क्या होंगे जो कि बहुत सालों तक जीवित रहते हैं पेरिनियल्स कहलाते हैं. नेक्स्ट वन इज सेप्रोपायट्स, प्लांट्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग बॉडीज, वो प्लांट्स जो कि डेड और डिकेइंग यानी कि मृत गिरगले सड़े शरीरों पर जीवित रहते हैं वो क्या है, सेप्रोपायट्स कहलाते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा विच मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा जो कि सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं. वर्टेब्रेट्स, एनिमल विच हैव ए बैकबोन, वो एनिमल जिनकी बैकबोन होती है. ज़ेरोपायट्स, प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट एंड नीड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फॉर देयर सर्वाइवल, वो प्लांट्स जो कि डेजर्ट में उगते हैं
और बहुत कम मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है उनको जीवित रहने के लिए, ज़ेरोपायट्स कहलाते हैं। ओके, आज हम केवल कीवर्ड्स करेंगे, आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच।